हो जाएगा क्या, तुम यूट्यूब छोड़ सकती हो? सीजन नो मैंने तुझे कहा कि उसका यूट्यूब छुड़वा, क्या मैंने कहा? मैं तुम्हें परेशान देख के मैं हल ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कहां से ये रिश्ता जुड़ सकता है, कौन सी तारे हैं जो आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, मुझे इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जो बुरी हरकत थी वो ये सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके आना था। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना अगर हम इस चीज में से सोशल मीडिया को ही निकाल दें, लोगों के तन तो तुम्हारे को निकाल दें, तो क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? तो मैंने उसको बोला अंबर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप YouTube छोड़ सकती हैं। शीशड़ू दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हस्बैंड से ज्यादा अहम औरत के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, नॉट इवन उसके माँ बाप। शरीयत तो कहती है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कोई भी हामिद इतना शैतान ना हो। शरीयत तो कहती है औरत ने अगर अपने बाप के जनाजे पे जाने उसका हामिद मना कर दे तो वो ना नहीं जा सकती। ये हक दिए गए हैं हामिद को, बट अल्लाह माफ करे कभी कोई मर्द इस तरह की हरकत ना करे। कल मैं वो लाइव देख रहा था जिसमें वो कुकिंग विद शुभाना जो है वो कह रही थी कि मैं बस कर नहीं 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 मोहसिन, उन्होंने ये बोला कि मैं हमारे घर में मर्दों का राज चलता है, मुझे नजर नहीं आ रहा, लिटरली मुझे ब्लॉक किया गया अंकल के नंबर से। किसने किया अंकल के नंबर से मुझे ब्लॉक? मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि आपके घर में मर्दों का राज चलता है और जिस कौम में जिस जगह पे औरत राज चला है वो बर्बाद हुआ, वो घर बर्बाद हुए हैं, वो कौमें बर्बाद हुई हैं जहां पे औरत राज चला है। औरत के हकूक ये हैं कि औरत को अगर मुश्किलात आ रही हो ना तो उसको अलग घर लेके दो, जो मैं करने को तैयार हूं। सबसे बड़ा हकूक औरत का ये होते हैं जो मैं कर रहा हूं। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वजीहा आपको नहीं समझ आ रही, वजीहा आपको नहीं समझ आ रही वो क्या बात कर रहे हैं। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि अंबर आओ बात करो, दो किस्म के लोग हैं ना, एक लोग वो हैं जो बात का पीछा नहीं छोड़ रहे, ये नहीं फॉलो कह रहे कि मैं लड़की को कह रहा हूं मेरे साथ आजा लग रहते हैं, इस तरफ लोग नहीं आ रहे, बुरा मर्द ही बनता है। यार पता है मोहसिन, हमारे हमारे ना जमाने की ना बहुत कड़वी हकीकत है कि औरत उस रूम में बजा दी जा रही, और इन्होंने मतलब औरत कुछ भी कर ले औरत का ज़ुल्म है, मर्द जो है वो ज़ालिम है और औरत वो है जिस पे ज़ुल्म हुआ है। लोग ये नहीं देखते, लोग ये निकल जाते हैं कि मर्द बेचारा सैंडविच बना होता है घर वालों के दरमियान, बीवी के दरमियान, बेशक हर चीज को मर्द ने हैंडल करना है, मर्द ने लेके चलना है, लेकिन यार एक बंदे के दिमाग में एक बंदा अपने जॉब पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, बिजनेस पे जा रहा है, कमा रहा है, घर लाके दे रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, कमा के बच्चों को खिला रहा है, बच्चों को बड़ा कर रहा है, ओ खुदा का खौफ कर लो यार, उसको कम से कम उस घर में सुकून दे दो जिसके लिए वो अपना खून पसीना एक कर रहा है, उस घर में सुकून दे दोगे? नहीं नहीं, उस घर में भी आते साथ ही पहले माँ कुछ बोलेगी, फिर बीवी कुछ बोलेगी, फिर बहन कुछ बोलेगी, और मर्द अंदर सैंडविच बनेगा, मर्द का बनेगा बर्गर, और एंड पे अगर मर्द ने कुछ कह दिया कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा प्लीज यार इसको ठीक कर लो, तो मर्द जालिम है, मर्द बेगैरत है।
अगर मर्द ने ये कह दिया कि घर को मेरे हिसाब से लेके चलो, जो मैं बोलूंगा वो होगा, तो मर्द हाकिम है, हुक्म दे रहा है, हुक्म चलाता है, अपनी मर्जी करता है। ओ यार कितने तक जीन दो, वो किसे पास से जीन दो, वो अंबर अगर अभी भी सुन रही हो ना, घर बचा लो, घर बचा लो, अगर अभी भी सुन रही हो। घर बचा लो प्लीज। अच्छा रास्ता घेर लो, अब तुम लोगों को ये नहीं नजर आ रहा कि वो इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे बैठ के लोगों के सामने बेशर्मों की तरह तरले डाल रहा है, बेशर्मों की तरह तरले डाल रहा है, खुदा की कसम वो अपनी खुददारी मार रहा है यहाँ पे बैठ के, लेकिन लोगों को ये नहीं नजर आएगा। एट द एंड यूट्यूब पे वीडियोस लगेंगी, मोहसिन ने अंबर को छोड़ दिया, मोहसिन की वजह से हुआ घर में फसाद, मोहसिन ने ये कर दिया। मैं नहीं छोड़ना चाहता भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ये चीज नहीं नजर आ रही, तरले डाल रहे यहाँ पे बिशर्मों की तरह। बीवी है ना, मेरी बात सुनो, तुम लोग कह रहे हो बेशर्मी की बात नहीं है, बीवी है ना, मेरी बात सुनो, सुनो ये जो यहाँ पे बैठे ये औरतें ही बोल रही है ना, कभी अपने मर्द को बोलना ऑनलाइन आके ऐसे बोले, कभी नहीं बोलेंगे, कभी अपने बंदों को बोलने इस तरह ऑनलाइन बैठ के हजार बंदे के सामने बोले, कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हिम्मत चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए इस काम के लिए, ऑनलाइन बैठ के ऑन फेस कैम बैठ के अगला कह रहा है अंबर घर पे चलो प्लीज, खुदा का वास्ता चलो। यार क्यों तुम लोगों को समझ नहीं आती यार, कैसे बेदियाते लोग हो तुम लोग, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। और आधे से ज्यादा जो नीचे बकवास कर रहे हैं ना, इनके अपने घर बसे नहीं होंगे, नहीं बसे होंगे। अंबर की अम्मी ये बात सुन रही है ना, तो मैं इतना कहूंगा, आंटी मुझे पता है आपकी बेटी ना डबल माइंड हुई है, फैसला नहीं कर पा रही, बट जब वो मेरे से अकेले में बात करती है ना, वो मुझे एहसास दिलाती है कि उसको मेरी जरूरत है, अपनी बेटी का साथ दें और उससे उसकी दिल की पूछें। मैंने सुबह अपने माँ बाप को अपने दिल की बताई और उन्होंने मुझे यही कहा, ठीक है जिस तरह रखना रख लो, और जो लोग इस टाइम मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, जो मैं बदवा देता हूं तुम सबको, अल्लाह गिरे तुम लोगों के घर में ये स्टोरी चली चले, अल्लाह गिरे तुम सबके घर में ये स्टोरी चली चले, अल्लाह करे जिस तरह के मेरे आंसू पे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम लोग का पूरा घर रोए, ये जितने लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरी बीवी के बारे में कोई गलत अल्फाज मत बोलो यहाँ पे, मैंने पहले बार बार बोला है, मैं यहाँ पे कोई इंसाफ लेने नहीं बैठा। अब ये नीचे लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, अब ये नीचे मुझे लोग कह रहे हैं अंबर को मैं कॉल करूं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी थर्ड बंदे को इन्वॉल्व होना पड़े। मैं ये दो दिनों से पिट रहा हूं, मैंने कल लाइव पे यही बात की थी अंबर, आपको मैंने बोला कि आप मोहसिन को कॉल करके बनाओ, उसने बोला हाँ, मैंने कहा यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्यों बोलने की जरूरत पड़ी है, मुझे क्यों जरूरत पड़े अंबर को समझाने की, मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या औकात है मियां बीवी के रिलेशन में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे रिलेशनशिप्स में, मियां और बीवी अपने लिए खुद काफी हैं।
ये बकवास मैं पिछले दो दिनों से कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे किसी की बेटी के बारे में या किसी की माँ के बारे में मत बोलो, मत बोलो, छोड़ दो गलतियां जिस जिससे भी हुई, चाहे मेरी साइड से चाहे अंबर की साइड से। आप लोगों की बात मानते हुए कहता हूँ हुई होंगी गलतियां यहाँ से भी वहां से भी, बट अंबर से पूछो उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई है आज तक। मेरी अंबर से बात हुई, मैंने अंबर को बोला अंबर आप बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है, उसने मुझे स्वीटी जी की प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे प्रॉब्लम्स बताई कि मोहसिन की अम्मी की प्रॉब्लम बता दी, उसने मुझे मोहसिन के घर वालों की प्रॉब्लम, मतलब मोहसिन, मैंने बोला मुझे मोहसिन में प्रॉब्लम बताओ, क्या मोहसिन ने आपको कभी गाली दी, नहीं, क्या मोहसिन ने आपको कभी मारा, नहीं, क्या मोहसिन ने आपसे कभी इस तरह की कोई हरकत की, क्या मोहसिन का कोई अफेयर चल रहा है, नहीं। मैंने बोला अंबर मोहसिन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। फिर मैंने पूछा अब आप साथ रहना चाहती हो, नहीं। और मैं पिटता हूँ वहाँ, क्या मैं अच्छा कमाता नहीं, क्या मैं अच्छा कमाता नहीं, मैंने जब पूछा मोहसिन में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मोहसिन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यही चीज मैं कह रहा हूँ, जब मोहसिन में प्रॉब्लम नहीं है, जब मोहसिन को अंबर में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी में अब मोहसिन की फैमिली कह रही है आप लोग रोको जिस तरह मर्जी रोको, तो फिर बीच में क्यों टांग अड़ाई जा रही है, क्यों? ये सब कह रहे हैं जाओ एक दफा मिल लाओ, मैं जाऊंगा ना तब भी नहीं उन्होंने मुझे माफ करना। यार यार मैं तो इतना ही बोलूंगा, अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। और मैं आज इधर ये क्लियर करने आया था, लाइव से आने का मकसद ये था मेरा कि ये जो यूट्यूब पे वीडियोस लगी हैं कि मैंने लड़ाई करवा दी, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मोहसिन जानता है मैंने क्या करवाया, और यहाँ भी जो अकलमंद दानिशवर लोग बैठे हैं वो जानते हैं मैंने क्या करवाया। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं इस्लाम ने तीन तलाकें दी हैं मर्द के हाथ में, और तब औरत को तलाक होती है जब तीन इकट्ठी हो जाए, यानी वक्फे वक्फे से तीन, एक साथ भी तीन बोल दो तब नहीं होती। मैंने तो फिर अंबर से पूछो एक दफा बोला था, मैंने तो फिर नहीं, मैंने ये कहा था मैं तुम्हें एक दे रहा हूं, उस समय कोई बात ऐसी हुई थी कि मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था और बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, और मैं उसको मना कर रहा था इस चीज से बाज आओ, बाज आओ, ये अल्फाज बार बार मत दोहराओ, मत दोहराओ, बस करो, मत दोहराओ, एक बार बस करो, दिमाग खराब मत करो, बस करो, बस करो, बस करो। और उसके बावजूद मर्द को ललकारा जाए तो मर्द क्या करता है? नहीं समझेंगे लोग यार, उस्ताद नहीं समझेंगे लोग, नहीं समझते। ये यहाँ पे बैठे जो फेमिनिस्ट है ना, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, ये जिनके नारे हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी, ये लोग नहीं समझेंगे। ये जिनके नारे हैं ना रोटी मैं गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर दूंगी, ये लोग नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे। It seems like यहाँ पे majority feminist ही है, उनके फॉलोअर्स फेमिनिस्ट हैं यार, फीमेल फेमिनिस्ट हैं, फॉलोअर्स इसमें क्या कह सकते हैं, जो एक दे सकता है वो तीन भी दे सकता है। आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कैसे औरतों ना करो, फातिमा अल्लाह के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ने मर्द के हाथ में ये तीन ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने अगर मर्द के हाथ में ये तीन ऑप्शंस दिए हैं तो अल्लाह ने जिसके हाथ में तीन ऑप्शन दिए हैं वो दे भी सकता है। फिर इस तरफ भी आओ, जो एक दे सकता है वो तीन भी दे सकता है। नहीं हुई ना अबे घर में किसी को हुई है? नहीं हुई ना, अल्लाह ना करे वो, क्यों यार प्रोवोक करते हो? और भाई ये मत कहो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, साथ बीवी का चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो कल किसी ने कमेंट किया है, वो पता नहीं किसी की रियल आईडी थी, आओ ना मेरे पास आ जाओ जल्दी से।
मोहसिन अभी तुम बैठे हो, लाइव पे बैठे हो, ये कर रहे हो, मैं जरा दो चार अपने काम कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं बात करो मुझसे। चलो बात करो, बाकी जो नीचे लोग दानेश्वर बैठे हैं उनको मेरा अंबर हो सके तो मुझसे रास्ता करना।